Hello students, how are you all? I hope all are fine. So let's start a 9th class topic is polynomial exercise 2.5. In this exercise up to 7 questions we have done up to last video. Now today we discuss question number 8 of 2.5 exercise. Okay, so question number 8 is factorize each of the following. हमें इसका क्या करना है फैक्टराइज यानी कि दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन राइट. फर्स्ट पार्ट टेकन ऑफ दिस 8 क्वेश्चन कि 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab² ओके. सो हाउ टू फैक्टराइज ऑफ दिस पॉलीनोमियल राइट. सो कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ होल क्यूब हाउ 8 को किस तरीके से राइट कर सकते हैं या फिर क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 राइट. एंड दिस इज ए होल क्यूब यानी कि हमने इसको होल क्यूब के फॉर्म में राइट कर दिया. इफ यू ओपन द ब्रैकेट देन 2³ इज 8 एंड a³ इज 8a³ राइट. तो यानी कि इसको सॉल्व करने पर 8a³ ही आएगा राइट. प्लस एन एज इट इज b³ हाउ वी कैन राइट बी होल क्यूब राइट. प्लस 12a² b सो हाउ वी कैन राइट कैन वी राइट दिस काइंड ऑफ 3a² इंटू बी राइट. प्लस 3 इंटू a इंटू b² यस और नो. अगर हम यहां से चेक करते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी है तो हम यहां पर आइडेंटिटी राइट करते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस 3 इंटू 3x² y प्लस 3xy² राइट. ये कहां से आई ये इसका सॉर्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी इज x प्लस y होल क्यूब राइट. तो x प्लस y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² इज इक्वल टू x प्लस y होल क्यूब राइट. तो हमने इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से राइट किया है अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी राइट. x³ प्लस एज इट इज y³ राइट प्लस 3 इंटू x² इंटू y प्लस 3 इंटू x इंटू y² राइट. सो हियर आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ x एंड y राइट. x और y की वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद में इस RHS पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी में पुट करना है और हमें यहाँ से जो फैक्टराइजेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ से हमें क्या आइडेंटिफाई करना है. वैल्यू ऑफ x क्या होगा यहाँ से वैल्यू ऑफ x इज नाउ आइडेंटिफाई इज 2a. वैल्यू ऑफ y इज b राइट. वैल्यू ऑफ y इज क्वेश्चन टू बी राइट. एंड 3 एज इट इज नाउ यू कैन चेक कि हमने यहाँ पे x की जगह पे 2a राइट किया जो हमने यहाँ पे किया है राइट. y एट द प्लेस ऑफ y वी हैव टू रिटर्न b राइट. सेम एज इट इज वैल्यू ऑफ x इज 2a तो यहां से कितना आ जाएगा 2a मल्टीप्लाई 2a राइट इंटू y² तो y वैल्यू इज b होल स्क्वायर. इफ यू ओपन द अगर हम इसको सोल्व करते तो वापस से ये इक्वेशन आती है नहीं आती है या एक्सप्रेशन आता है नहीं आता है. तो यहां से 2a होल क्यूब इज 8a³ प्लस b होल क्यूब इज b³ प्लस 2a होल स्क्वायर इज 4a² 4 3 12 a² b राइट. प्लस एज इट इज 3 2 6 a एज इट इज b² तो 6ab² आ रहा है राइट. यानी कि हमने जो राइट किया है अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी वी हैव टू रिटर्न ओके. अब हमें इस यहाँ पे x और y की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली. अब ये x और y की वैल्यू इस RHS पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी में राइट करना है. तो x प्लस y होल क्यूब यानी कि यहां से क्या जाएगा x एट द प्लेस ऑफ x वॉट कम इज 2a राइट. प्लस एट द प्लेस ऑफ y वॉट कम b राइट. और दिस इज होल क्यूब तो हम इसको और कैसे राइट कर सकते हैं होल क्यूब है तो 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑफ दिस पॉलीनोमियल ओके. आई होप यू आर अंडरस्टूड ओके. नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो सेम एज इट इज डू. तो 27 हाउ वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब रूट. व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 होल क्यूब राइट. माइनस साइन एज इट इज 125a³ यहां से 125 कैसे राइट कर सकते क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5 a होल क्यूब राइट. माइनस 135a इट मीन्स 3 इंटू a² इट मीन्स अगर हम राइट करते 3a² इंटू 3a² इंटू बी वैल्यू इज 5a राइट. प्लस सॉरी प्लस है यहाँ पे तो प्लस एज इट इज राइट.
225 a स्क्वायर, तो यहां से हम क्या आ जाएगा 3 इंटू ए, ए वैल्यू इज 3 इंटू बी स्क्वायर 5a होल स्क्वायर। अगर हम इसको राइट करते हैं तो ये आइडेंटिटी बनता है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3a 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। व्हाट इज द सोर्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी? x माइनस y होल क्यूब। तो ये हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब तक ये फॉर्मूले हमें याद नहीं होंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगेन रिपीट करता हूँ, x प्लस वाई होल क्यूब इज फॉर्मूला x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई होल 3x वाई स्क्वायर। ओके, और x माइनस वाई होल क्यूब x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ओके, गॉट इट। अब हमें वी हैव टू रिटर्न दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, राइट? नाउ आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x वैल्यू इज 3, राइट? वैल्यू ऑफ y इज 5, करेक्ट? तो हमने एट द प्लेस ऑफ x एंड y वी हैव टू रिटर्न, करेक्ट और नॉट? तो x इज इक्वल टू 3, 3 रिटर्न, y इज इक्वल टू 5 है रिटर्न, x इज इक्वल टू 3 एंड 5 y इज इक्वल टू 5 है रिटर्न, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। अब यहां से हमें फॉर्मूले में राइट करना है, यानी आर एच एस पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो वैल्यू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x इज 3 माइनस 5a होल क्यूब, और नाउ राइट सेपरेट सेपरेट हाउ 3 माइनस 5a इंटू 3 टाइम्स पावर 3 है, तो राइट 3 टाइम्स 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5। ओके, सो दिस काइंड ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टूड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, वेरीफाई x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y इंटू x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट? तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, यानी कि दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। अगर हमें आइडेंटिटी लर्न है तो यू कैन सॉल्व एनी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक क्वेश्चन। ओके, यानी कि हमें आइडेंटिटी याद होने के बाद में हम इसको इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे कि हम वी नो डैट कि आइडेंटिटी, अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कौन सी आइडेंटिटी में आते हैं? x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि हमने जो राइट किए थे सेम, राइट? अगर हमने इसमें कॉमन लेते हैं, व्हाट इज द कॉमन? इज 3xy। इफ यू राइट 3xy देन व्हाट रिमेन फ्रॉम दिस x माइनस वाई, तो x माइनस वाई यहां से आ जाएगा, करेक्ट? तो कुछ इसी तरीके से हमने राइट किया, यानी कि ये पार्ट दिस पार्ट इज सेम, राइट? यानी दिस पार्ट ट्रांस पोज फ्रॉम आर एच एस टू एल एच एस, देन साइन विल बी चेंज। तो व्हाट कम? एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस 3xy वाई इंटू एक्स माइनस वाई ट्रांसपोज, तो इट बिकम प्लस प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। व्हाट रिमेन इन आर एच एस पार्ट? ओनली दिस टर्म, राइट? तो वी हैव टू रिटर्न हियर। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है यहां से? Now we have to take a common. What we will take common, right? इन दोनों में हम क्या common ले सकते हैं, यानी कि हम इसको किस तरीके से whole cube है, तो इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? x minus y into x minus y whole square. When base are same, so power should be add. If we multiplication form return, तो here multiply, तो 1 plus 3, 1 plus 2 is 3, right? Plus 3xy, right as it is, into x minus y. It's equals to x cube minus y cube. नाउ कैन वी टेक कॉमन, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। व्हाट वी टेक कॉमन? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इफ यू टेक एक्स माइनस वाई एज ए कॉमन, देन व्हाट रिमेन इन साइड ऑफ द ब्रैकेट? एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज, एक्स माइनस वाई वी हैव टू टेक एज ए कॉमन, देन व्हाट रिमेन? प्लस 3xy, वाई, राइट? प्लस 3xy, ओके। आफ्टर इसके बाद हमें क्या करना है? This is a whole square. Now you will open this square. So what remain? X minus y. So how to solve? A minus b whole square identity you will apply. Algebraic identity. So x minus y whole square. It means x square plus minus 2xy plus y square plus 3xy. Right? Next step, x minus y. Here minus 2xy plus 3xy both are like term, xy, right?
तो माइनस टू प्लस थ्री इज प्लस वन, तो हाउ वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन. तो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ यू कैन चेक दिस इज द आरएचएस पार्ट, यहां से आरएचएस पार्ट के इक्वल भी आ रहे हैं, राइट. तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. ओके, तो दिस काइंड ऑफ वी हैव डन द सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 27x³ प्लस yq प्लस zq माइनस 9xyz. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो हमें याद होनी चाहिए. तो व्हाट इज द आइडेंटिटी, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिखता हूं क्या, कि x³ या फिर मैं इसको a की फॉर्म में राइट कर देता, ए बी सी की फॉर्म में, राइट. a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 इंटू ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. ओके, तो दिस इज द कंप्लीट आइडेंटिटी. ओके, अगेन आई रिपीट, ए होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट. तो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है. तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को क्या हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं तो इसके बेस पे हम ये भी राइट कर सकते हैं. यहां से हमें एबीसी की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है और आरएचएस पार्ट में पुट करना है. ओके, जो आरएचएस पार्ट में पुट करने के बाद में जो इसका सॉल्यूशन आएगा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो फर्स्टली राइट इज दिस एक्सप्रेशन दिस एलएचएस पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी. ओके, सो ए क्यूब 27x³, तो हाउ टू राइट, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, तो 3x होल क्यूब. इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, तो 3³ इज 27 एंड x³ इज x³, तो 27x³ राइट प्लस y³ को कैसे लिख सकते हैं, होल क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, प्लस z³ ऑल्सो राइट दिस काइंड ऑफ z³ माइनस 3 इंटू वैल्यू ऑफ a 3x, तो 3x इंटू वैल्यू ऑफ b इज y, वैल्यू ऑफ c इज z, तो z. अगर हम इसको सोल्व करें तो 3 जो 9xyz, तो 9xyz हैविंग राइट, यस. अब हमें क्या करना है, इक्वल्स टू ये हमारे पास हो गया. अब नाउ यू विल आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ a b c. वैल्यू ऑफ a इज 3x राइट, होल क्यूब है, b³ तो वैल्यू ऑफ b इज y, वैल्यू ऑफ b इज y, वैल्यू ऑफ c इज z राइट. नाउ वैल्यू ऑफ a b c पुट RHS पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट. हम इस इक्वेशन में पुट कर देते, तो a प्लस b प्लस c, तो 3x a प्लस b प्लस c, यानी 3x प्लस y प्लस z इंटू ए स्क्वायर, इट मीन्स 3x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ए बी, इट मीन्स 3x इंटू वैल्यू ऑफ b इज y, करेक्ट, माइनस एज इट इज वैल्यू ऑफ बी सी, इट मीन्स y इंटू z, राइट, माइनस साइन c इंटू a, तो z इंटू 3x या 3x इंटू z, करेक्ट. If you solve this, तो what come 3x plus y plus z, 3x whole square is 3 square is 9, x square plus y square plus z square minus 3xy, right, minus yz minus 3xz is the correct answer. So this is the factorization of this expression. I hope you also understood the solution of this question. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कंप्लीट अप टू 11 क्वेश्चंस. सो यू विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दीज क्वेश्चंस, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क ऑन मी व्हाट्सएप नंबर. ओके, बाय, हैव ए नाइस डे.